प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर के उस चैलेंज को स्वीकार किया है जिसमें अनुराग ठाकुर ने विकास कार्यों को लेकर खुले मंच पर चर्चा करने का चैलेंज दिया है। अभिषेक राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर की ट्रेन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि ट्रेन का वादा सांसद ने हमीरपुर की जनता से किया था वह इसकी जवाबदेही सांसद को ही देनी चाहिए। इस समय तो कार्टून आदि के निर्माण से सांसद को ट्रेन के साथ हमीरपुर में दाखिल होते दिखाया गया था, लेकिन उनके सांसद रहते कोई भी ट्रेन हमीरपुर में नहीं आई, जो कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष के उस बयान की तरह जुमला ही सिद्ध हुई जिसमें उन्होंने लोगों को 15-15 लाख देने का वायदा किया था। वहीं सवालों की जवाबदेही पर तंज कसते हुए अभिषेक ने कहा कि सांसद से सवाल पूछने पर धारा 144 लगा दी जाती है, तो ऐसे में सवाल पूछे भी तो किससे। सांसद जी ये कह रहे हैं कि हम आए दिन प्रेस नोट देते रहते हैं, बार करते रहते हैं, तो मैं उन्हें ये पूछना चाहूंगा कि जब आपके पास इन सभी चीजों का सवालों का जवाब मांगने गए तब आपने रात रात में धारा 144 लगा दी, और जब आपके पास युवा कोई सवाल पूछने जाता है तो आप पुलिस को आगे कर देते हैं, तो आप ही बता दीजिए किस माध्यम से हम आपसे सवाल पूछें और जनता का हिसाब मांगे। बाकी सांसद जी ने ये भी कहा कि हमें जो है वो एक मंच पर खड़े होकर विकास के मुद्दों के ऊपर बहस करनी चाहिए। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी मंच के ऊपर खड़े होकर माननीय सांसद जी के साथ बहस करने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने ये कहा सुजानपुर में कि सुजानपुर में विकास कार्य धूमल साहब की देन है, तो शायद वो भूल गए कि धूमल साहब ने ही बीडीओ ऑफिस रात रात को उठाकर टौनी देवी लेके जा रहे थे, एसडीएम दफ्तर के लिए मना कर दिया था, और ऐसे कई सारे काम हैं जो धूमल साहब ने वहां के लोगों को लटका रखा। हम धूमल साहब का पहले भी और आज भी और आने वाले समय में भी मान सम्मान करते हैं। मुझे जहां पर भी वो मिलते हैं मैं पैर छू के उनका आशीर्वाद लेता हूं, क्योंकि हमसे बड़े हैं और सम्माननीय हैं। लेकिन सांसद जी ये बताएं, जगह उनकी, समय उनका, दिन उनका, जब उन्हें बहस करनी होगी विकास के मुद्दों पे, चाहे वो संसदीय क्षेत्र की बात हो चाहे वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की बात हो, मैं तैयार हूँ। अब वो ये बता दें कि आना कहाँ है, क्या वो मुझे जाऊ के एयरपोर्ट पे बुलाना चाहेंगे, या जहाँ पे रेलवे स्टेशन है वहां बुलाना चाहेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी देन से, क्या उसके कॉरिडोर में बुलाना चाहेंगे, या फिर जहां से बंगाना टनल की सुरंग निकल चुकी है उस सुरंग के जो कोने पे वहां पर मुझे बुलाना चाहेंगे, जहां वो बुलाना चाहेंगे वहां पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। उनकी डिग्री पर उठाए गए सवाल पर कहा कि भाजपा के अपने कई केंद्र के नेताओं की डिग्रियों पर सवाल खड़े हैं जिनका कोई भी जवाब भाजपा के पास नहीं है, लेकिन फिर भी सांसद चाहें तो वह अपनी डिग्री उन्हें पर्सनल भी दे देंगे जिसे वह अपने घर की दीवारों पर सजा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने मेरी डिग्री के ऊपर कई सवाल उठाए कि शायद पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पता नहीं है, तो मुझे उनसे कोई एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय सांसद जी शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्री जिनका डिग्री का विवाद आज तक चला हुआ है, जो जग जाहिर अपनी डिग्री नहीं कर पा रहे, आरटीआई के माध्यम से जब जब बार बार पूछा जा रहा है तो उसमें टालमटोल की जा रही है, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। अगर उन्हें मेरी डिग्री जाननी होगी तो मैं मुझसे वो पूछें या बताएं, हम डिग्री जो है वो उन्हें उनके घर तक पार्सल करवा देंगे, और बकायदा वो अपना फोटो फ्रेम करा के अपने घर पे लटका सकते हैं कि मैंने क्या डिग्री करी है, बीएलएलबी करी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी से करी है, कहाँ कहाँ से पढ़ा हूँ, सारा ब्यौरा दे सकते हैं उनको। वहीं उन्होंने कहा कि सुजानपुर में धूमल के नाम से काम केवल लटके ही हैं, ना कि पूरे हुए हैं। अभिषेक राणा ने कहा कि सांसद हार के डर से अपनी सद्बुद्धि खो बैठे हैं, वो बौखलाहट में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, हार के डर से बौखलाहट में संयम रखना भी भूल गए हैं सांसद। उन्होंने एजेंट, दलाल, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है कल वहां पर सम्मेलन में किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसे परिवार से संबंध रखता हूं और हमारे खून में ही समाज सेवा है, हमारे संस्कारों में ऐसी सीख नहीं दी गई है कि हम ऐसे अपशब्दों का प्रयोग जो है करें। शायद सुजानपुर का जो हार का गम है वो माननीय सांसद जी को दिल पे लग गया है, जिससे वो उभर नहीं पा रहे हैं, इसलिए जगह जगह उसी का प्रचार कर रहे हैं, और ऐसी
घटिया राजनीति पे जो है वो अब उतर चुके हैं, और राजा वीरभद्र जी के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हैं शायद एक बार नहीं कई बार उन्होंने ऐसे शब्दों का दुरुपयोग किया है, चाहे वो गांधी चौक की बात हो चाहे वो सुजानपुर की बात हो, तो उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक सांसद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अपने की अपनी पद की गरिमा रखनी चाहिए। उन्होंने सांसद के विकास कार्यों पर चर्चा के चैलेंज को स्वीकार करते हुए कहा कि सांसद जब चाहे जहां चाहे वह जिस समय भी चाहे वह चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह जाहू के एयरपोर्ट पर चर्चा करना चाहे, चाहे ट्रेन पर, चाहे बंगाणा की सुरंग पर, चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय पर। मैंने तो ये कहा कि कांग्रेस की जीत होगी, जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। कांग्रेस में जिस हिसाब से खींचतान है तो थोड़ा सा लगता है कौन सी पार्टी में नहीं है। आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है? राजनाथ जी ने स्टेटमेंट दी, आज प्रदेश अध्यक्ष कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, जब खुद के लीडर्स में इनकी खींचतानी है, जब यहाँ पे दौरा होता है मुख्यमंत्री के गुट अलग बन चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री का गुट अलग बन चुका है, उसके ऊपर तो प्रेस के लोग कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस में सारे आज कांग्रेस में कहाँ क्यों दिख रहे हैं आप? माननीय राज साहब ने कहा तो उनका आशीर्वाद है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये ठीक है कि पार्टी हाईकमांड ही तय करेगी कि टिकट किसको मिलेगी, और राजा साहब ने ये नहीं कहा था कि ये प्रत्याशी होगा, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि मेरी एक इच्छा है कि अभिषेक राणा को टिकट मिले। कई लोगों ने उसका मुद्दा ये बना दिया कि यही प्रत्याशी घोषित कर दिया, हालांकि राजा साहब ने कहीं पे भी ऐसी कोई रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं है जहाँ पे कभी ये प्रत्याशी होगा। सर अगर मेरी इच्छा है कि हाई कमांड इनको, उन्होंने बोला कि हम पैर भी करेंगे आपकी। हाँ वो अलग बात है, पर ये जो कहा ना कि प्रत्याशी, जैसे रजनी पाटिल जी ने कहा, अध्यक्ष जी ने कहा, प्रत्याशी कोई घोषणा किसी प्रत्याशी की, उनकी दिली इच्छा के अनुसार आप प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं तो क्या आप अपने आप को सक्षम मानते हैं अनुराग ठाकुर के सामने? बिल्कुल